हेलो गाइस, कैसे हो सब लोग? आई होप सब लोग ठीक ही रहेंगे। तो आज हम देखने वाले कि मेमोज, मतलब हम रिएक्ट में मेमोज क्यों यूज़ करते हो। ओके, तो वो हम देखेंगे। ओके, तो उसके लिए मैं क्या करूँगी, यहाँ पे मैं दो कंपोनेंट, फ्रेश दो कंपोनेंट बनाऊँगी। ओके, तो मैं उसके लिए तो एक पेरेंट कंपोनेंट बनाती हूँ और एक बनाती हूँ चाइल्ड कंपोनेंट। ओके, तो मैं यहाँ पर डाल रही हूँ पेरेंट पेरेंट डॉट जेएस। ओके, ये पेरेंट हमारा बन गया। ओके, मुझे इसको यहाँ पे नहीं, मुझे यहाँ पे चाहिए। आई डोंट नो वेदर इट विल मूव। ओके, इट इज़ मूव्ड हियर। ओके, देन यहाँ पे मैं और एक बनाऊँगी, दैट इज़ चाइल्ड। ओके, चाइल्ड डॉट जेस, मतलब मैंने एक पेरेंट कंपोनेंट बनाया, एक चाइल्ड कंपोनेंट बनाया। ओके, तो उसका हम क्या करेंगे, उसको हम पहले कंपोनेंट बना के लेते हैं पूरा। ओके, तो मैं यहाँ पे डाल रही हूँ आर एफ सी। तो यहाँ पे बन गया हमारा पेरेंट कंपोनेंट। ओके, तो यहाँ पे मैं एक टैग लिखूंगी, सो आई विल राइट लाइक दिस इज़ अ पेरेंट कंपोनेंट, मतलब समझ में आएगा पेरेंट लिखा तो, राइट? तो मैं यहाँ पे लिख रही हूँ पेरेंट कंपोनेंट, सेम मुझे बनाई। अदर मैं क्या करूँगी, इसको मैं क्लोज करके छोड़ती हूँ कि हमको नहीं चाहिए, अभी टेबल नहीं चाहिए, कॉलम नहीं चाहिए। अभी चाइल्ड में जाते हो कि चाइल्ड का भी कंपोनेंट हम क्या करेंगे, बना के ले देंगे, सॉरी। ओके, तो बना के लिया यहाँ पे, तो यहाँ पे मैं लिखती हूँ कि दिस इज़ अ चाइल्ड कंपोनेंट करके। ओके, तो मैं यहाँ पे लिख रही हूँ दिस इज़ अ चाइल्ड देन कंपोनेंट। ओके, तो हमारा भी क्या बन गया, कंपोनेंट बन गया। अभी हमको क्या करना पड़ेगा, व्हाट इज दिस यार। ओके, इसको मैं निकालती हूँ, कंपोनेंट, सो इट विल, आई विल टेक दिस एज स्मॉल। ओके, तो यहाँ पे मैंने कंपोनेंट लिया। अभी मुझे क्या करना पड़ेगा, चाइल्ड कंपोनेंट को पेरेंट कंपोनेंट में मुझे इंपोर्ट करना है। ओके, तो मैं इस चाइल्ड को मैं क्या कर रही हूँ, इस पेरेंट में ले रही हूँ। तो मैं क्या करती हूँ, यहाँ पे मतलब मुझे ऊपर पेरेंट दिखाना है, नीचे चाइल्ड दिखाना है। ओके, तो मैं यहाँ पे इसको इंपोर्ट करके लेती हूँ। ओके, तो इंपोर्ट होता है ऊपर, तो आप देख सकते हैं कि ऊपर अपने आप इंपोर्ट हो गया। ओके, तो अभी मुझे इसको क्या करना पड़ेगा, ऐप डॉट जेएस में इंपोर्ट करना पड़ेगा, क्योंकि मुझे एग्जीक्यूट करना है, राइट? तो मैं इसको कमेंट करती हूँ और मैं उसको यहाँ पे लेती हूँ। ओके, तो यहाँ पे मैं कॉल करूँ पेरेंट को, क्योंकि पेरेंट मैंने इंपोर्ट किया तो अपने आप वो चाइल्ड भी हमको मिल जाएगा। ओके, तो यहाँ पे हमारा पेरेंट कंपोनेंट इंपोर्ट हुआ है। अब हम देखेंगे कि इसका रिजल्ट क्या है, लाइक मतलब हमको क्या इसका आउटपुट मिलेगा। ओके, तो मैं यहाँ पे रन किया है, तो अभी तक रन नहीं, रन हो रहा है, आप यहाँ पे देख सकते हैं, स्टिल इट इज़ इन प्रोसेस। तो हम क्या करेंगे, थोड़ा वेट करेंगे, चेक करेंगे क्या हो रहा है। ओके, थोड़ा टाइम ले रहा है। ओके, तो यहाँ पे देख सकते हैं हो गया, मतलब ओके कंपाइलिंग सक्सेस हो गया। तो अब हम देखेंगे, तो यहाँ पे देख सकते हैं कि हमको मिल रहा है दिस इज़ अ पेरेंट कंपोनेंट, दिस इज़ अ चाइल्ड कंपोनेंट, मतलब हमने जो मतलब कंपोनेंट्स बनाए हो करेक्ट वर्क हो रहे। ओके, तो अभी हमको करना है कि पेरेंट कंपोनेंट रेंडरिंग कैसे करेंगे। ओके, तो उसके लिए हम स्टेट यूज़ करेंगे, बाद में उसको काउंटर बना के इंक्रीमेंट करके देखेंगे। ओके, अब हम क्या करेंगे कि स्टेट्स बना के लेते हैं। ओके, तो यहाँ पे पेरेंट में जाएंगे हम। ओके, पेरेंट कंपोनेंट में, तो मुझे यहाँ पे पेरेंट के लिए एक स्टेट बनाना है। ओके, तो मैं यहाँ पे उसको बना के लेती हूँ, सो कॉन्स्ट, और यहाँ पे आएगा मेरा पेरेंट काउंट, मतलब हम यहाँ पे काउंट करने वाले हैं इंक्रीमेंट वगैरह। ओके, चेक करने वाले। ओके, तो मैं इसलिए पेरेंट काउंट ले रही हूँ, तो देन सेट लेती हूँ, सेट पेरेंट काउंट। ओके, और इसको हम क्या करेंगे कि इनिशियली इसको हम जीरो डिक्लेयर करते हैं। ओके, तो यूज स्टेट, यहाँ पे लिया हमने जीरो। ओके, दिस इज डन। तो सेम हमको करना है और चाइल्ड के लिए भी, चाइल्ड के लिए भी हम एक स्टेट बना के लेते हैं। ओके, तो इसका मैं देती हूँ चाइल्ड काउंट करके, चाइल्ड काउंट कॉमा सेट चाइल्ड काउंट। ओके, ओके, तो यहाँ पे हो गया हमारा चाइल्ड काउंट हो गया। इसको मुझे पूरा करना पड़ेगा, यूज स्टेट, इसका भी हम इनिशियल लेते हैं जीरो। ओके, तो हमारा बन गया दोनों हमने स्टेट्स बना के लिए। ओके, तो अभी हमको क्या करना पड़ेगा कि इसको यहाँ पे हमको एक बटन देना पड़ेगा, राइट? तो जहाँ पे हम इंक्रीमेंट और डिक्रीमेंट कर सकेंगे, तो यहाँ पे हम बटन लेते हैं,
कि डायरेक्टली नहीं ले रहे एक्चुअली, तो हमारा बटन का नाम लिखेंगे हम इंक्रीमेंट पेरेंट। ओके, तो यहाँ पे इंक्रीमेंट पेरेंट किया हमने। और एक बात, यहाँ पे हमको मतलब हम पेरेंट को क्या करने, दिस इज़ अ पेरेंट कंपाउंड। ओके, तो यहाँ पे मुझे उसको इंक्रीमेंट करना है जो कुछ नंबर्स में डालने वाली हूँ। ओके, तो मैं क्या करूँगी, यहाँ पे एक H1 टैग लेती हूँ, मैं H1 H2 कुछ भी ले लो, मैं H2 लेती हूँ। और यहाँ पे मैं डालती हूँ पेरेंट काउंट इज। ओके, तो यहाँ पे मुझे जावास्क्रिप्ट में ऐसे समझो कि मैं यहाँ पे जावास्क्रिप्ट इंक्लूड कर रही हूँ, तो मेरा ये पेरेंट काउंट जो है ना वो यहाँ पे आएगा। ओके, यहाँ पे आएगा। तो मुझे बटन मतलब यहाँ पे मैं बटन यूज़ करूँ मतलब मुझे इसको इंक्रीमेंट करना पड़ेगा, तो उसके लिए मुझे यहाँ पे एक फंक्शन लिखना पड़ेगा। तो मैं यहाँ पे लिख रही हूँ ऑन क्लिक फंक्शन, जहाँ पे हम ऑन क्लिक क्लिक करेंगे तो यहाँ पे वर्क होना चाहिए। ओके, तो मैं यहाँ पे डालती हूँ चेंज। चेंज पेरेंट काउंट। ओके, उसके रिलेटेड नेम दियो तो इजी अब हमको समझने के लिए आता है इजी, इसलिए मैंने उसके रिलेटेड ही नेम दिया कि चेंज पेरेंट काउंट करके। तो इसका हम क्या करेंगे, फंक्शन बना के लेते हैं यहाँ पे। तो यहाँ पे मैं बना रही हूँ एक फंक्शन, दैट इज कॉन्स्ट चेंज पेरेंट काउंट। ये हमारा रहेगा एरो फंक्शन, तो ये आएगा सेट पेरेंट काउंट। ओके, तो इसमें डालेंगे हम पेरेंट काउंट, फिर यहाँ पे आएगा +1। ओके, मतलब क्या, हम जो इंक्रीमेंट करें 0 रहेगा, बाद में +1 हो जाएगा। ये देख सकते हैं इनिशियल स्टेट इसका 0 है, पेरेंट स्टेट, तो स्टेट हमारा चेंज हो गया है। यहाँ पे सेट किया हमने इंक्रीमेंट, जो इंक्रीमेंट होता है वो यहाँ पे आएगा पेरेंट काउंट में, तो वो यहाँ पे क्या होगा, यहाँ पे डिस्प्ले होता जाएगा, मतलब इंक्रीमेंट जो कुछ करें हम डिस्प्ले होगा। तो हमको यहाँ पे एक एरर मिल रहा है, देखेंगे क्या एरर है, आई थिंक यू स्टेट का एरर रहेगा। ओके, यू स्टेट एरर है, तो मैं इसको लेती हूँ, तो मुझे यहाँ पे यू स्टेट डिस्प्ले करना पड़ेगा, राइट। तो मैंने यहाँ पे लिया यू स्टेट, अभी हमारा एरर जाना चाहिए। ओके, तो आप यहाँ पे देख सकते हैं कि एरर गया, तो अब हम देखेंगे कि यहाँ पे कुछ हो रहा है कि नहीं। ओके, तो यहाँ पे दिखा रहा है कि एरर इज यू स्टेट इज़ नॉट डिफाइंड। ओके, तो हमारा देखो, मैंने यहाँ पे जो कुछ लिया था वो सब कुछ आया यहाँ पे, पेरेंट काउंट इज़ 0 क्योंकि इनिशियल स्टेट 0, इसलिए 0 दिखा रहा है, राइट। ओके, तो दिस इज़ अ पेरेंट काउंट। ओके, तो मैं भी इसको इंक्रीमेंट करने के लिए ट्राई करती हूँ, तो यहाँ पे देख सकते हैं कि मेरा इंक्रीमेंट हो रहा है, राइट। मतलब हमारा पेरेंट काउंट कंपोनेंट जो है वो भी करेक्ट वर्क हो रहा है, मतलब पेरेंट का जो मैंने काउंटिंग का कोड लिखा है वो करेक्ट वर्क हो रहा है। ओके, तो नेक्स्ट हम देखेंगे कि चाइल्ड में, चाइल्ड को हम कैसे सेम फंक्शन बनाते हैं चाइल्ड में हमको। ओके, तो यहाँ पे भी हमको करना है सेम, सो व्हाट आई विल डू, ऑलरेडी वी हैव हियर चाइल्ड। ओके, तो हम क्या करेंगे, यहाँ पे हम उसको एक प्रॉप एज अ प्रॉप करके पास करेंगे, कहाँ पे, चाइल्ड कंपोनेंट। ओके, तो मैं यहाँ पे ले रही हूँ काउंट करके, एंड यहाँ पे मैं डालती हूँ क्या, मुझे ई काउंटिंग करना है, राइट। तो मैं इसको कॉपी करती हूँ, मैं इसको यहाँ पे डाल रही हूँ कि चाइल्ड काउंट मतलब एज अ प्रॉप मैं इसको पास करूँ, फिर इसको मुझे कहाँ पे लेना पड़ेगा, यहाँ पे लेना पड़ेगा। उससे पहले हम क्या करेंगे, यहाँ पे और एक बटन बना के लेते हैं, कि तो मैं यहाँ पे और एक बटन बना के ले रही हूँ जिसका मैं नाम देती हूँ, यहाँ पे डालती हूँ दैट इज़ CHILD चाइल्ड काउंट। ओके, तो चाइल्ड काउंट हो गया, और इंक्रीमेंट यहाँ पे रहेगा चाइल्ड काउंट पे लिखूँगी। ओके, तो चाइल्ड काउंट आ गया यहाँ पे। फिर सेम हमको यहाँ पे क्या करना पड़ेगा कि फंक्शन लिखना पड़ेगा। ओके, तो मैं सेम इसको एक कॉपी करूँगी, तो यहाँ पे इसको पेस्ट करती हूँ, और नाम रहेगा मेरा एक चाइल्ड चेंज चाइल्ड काउंट। ओके, सेट पेरेंट काउंट के बजाय मुझे लेना है सेट चाइल्ड काउंट यहाँ पे। ओके, तो ये तो सेट हो गया हमारा, यहाँ पे हमने बटन सेट किए हैं, यहाँ पे हमने चाइल्ड कंपोनेंट प्रॉप करके यहाँ पे चाइल्ड काउंट को पास किया, यहाँ पे हमने फंक्शन बनाया। ओके, तो अभी मुझे ये पास किया वो मुझे क्या करना पड़ेगा, चाइल्ड कंपोनेंट में लेना पड़ेगा, राइट। तो हम करेंगे अभी, तो मैं यहाँ पे लेती हूँ इसको एज अ प्रॉप काउंट को। ओके, तो मैंने यहाँ पे लिया काउंट, देन दिस इज, सो यहाँ पे मैं लिखती हूँ
चाइल्ड काउंट इज़, ओके, और यहाँ पे आएगा हमारा ये काउंट, ओके, तो यहाँ पे हो गया करेक्ट है सब कुछ। सो एक बार और एक बार चेक करेंगे हम। हम यहाँ पे पास किया, फिर यहाँ से चाइल्ड काउंट यहाँ पे आया, ओके, तो ये करेक्ट है। तो अब हम देखेंगे कि कुछ इंक्रीमेंट वगैरह हो रहा है कि नहीं, चेक करेंगे। तो ये हमारा पेरेंट काउंट है जो हम इसको इंक्रीमेंट कर सकते हैं, लेकिन चाइल्ड काउंट भी देखेंगे यहाँ पे। तो यहाँ पे देख सकते हैं कि चाइल्ड काउंट भी इंक्रीमेंट हो रहा है लेकिन कंटिन्यू नहीं हो रहा है, तो चेक करेंगे क्यों नहीं हो रहा है। तो मैं यहाँ पे जा रही हूँ पेरेंट काउंट में, यहाँ पे कुछ मिस्टेक हुआ है क्या? चाइल्ड काउंट तो लेट मी चेक। ओके, तो यहाँ पे मेरा मिस्टेक, आप यहाँ पे देख सकते हैं मैंने यहाँ पे पेरेंट काउंट ही लिया है, तो मुझे यहाँ पे लेना है चाइल्ड काउंट, राइट? ओके, चाइल्ड काउंट यहाँ पे लिया, तो इसलिए वो पेरेंट के बाद दो इंक्रीमेंट हो रहा था, राइट, सेम ही हो रहा था। तो अब हम देखेंगे कि क्या होता है। तो यहाँ पे देख सकते हैं इंक्रीमेंट हो रहा है, यहाँ पे देख सकते हैं कि मेरा चाइल्ड कंपाउंड में इंक्रीमेंट हो रहा है। तो इसको मैं रिफ्रेश करती हूँ, तो यहाँ पे देख सकते दोनों भी 0-0 है, इंक्रीमेंट कर रही हूँ मैं पेरेंट को, बाद में इंक्रीमेंट कर रहे चाइल्ड को, दोनों भी इंक्रीमेंट हो रहा है, ओके। लेकिन यहाँ पे एक प्रॉब्लम है, वो मैं आपको दिखाती हूँ। तो यहाँ पे मैं क्या कर रही हूँ, इसको इंस्पेक्ट कर रही हूँ, ओके। तो मतलब हम यहाँ पे क्या करें कि जब मैं पेरेंट को इंक्रीमेंट कर रही हूँ ना, तब मेरा चाइल्ड भी अपने आप क्या हो रहा है, रीरेंडर हो रहा है, जब मैं पेरेंट को रीरेंड मतलब उसको वर्क कर रही हूँ। तो यहाँ पे उसको मैं आपको दिखाती हूँ। तो यहाँ पे देख सकते हैं दिस इज़ अ पेरेंट कंपोनेंट, यहाँ पे हमारा पेरेंट काउंट है और यहाँ पे मेरा चाइल्ड काउंट है। तो मैं यहाँ पे पेरेंट को इंक्रीमेंट कर रही हूँ, तो यहाँ पर आपको समझ में नहीं आएगा उसको। तो मैं क्या करती हूँ, आपको कंसोल में दिखाती हूँ कि तुम यहाँ पे जा रहे हो कंसोल में, उसके लिए मुझे यहाँ पे लिखना पड़ेगा। तो मैं चाइल्ड में ही हूँ, राइट, ओके। तो यहाँ पे मैं लिखूँगी कंसोल, लिखते हैं हम यहाँ पे, ओके। तो मतलब हमको इजीली समझ में आएगा कि क्या हो रहा है। कंसोल डॉट लॉग, चाइल्ड कंपोनेंट इज रीरेंडरिंग, ओके ओके तो यहाँ पे लिखा हमने। तो अब हम देखेंगे ये क्या होता है। वो तो इंस्पेक्ट है हमारा ऑलरेडी, तो इसको मैं एक बार रिफ्रेश करके लेती हूँ। ओके, तो रिफ्रेश हो रहा है, थोड़ा टाइम ले रहा है एक्चुअली रन होने के लिए। ओके, डन। तो मैं अभी यहाँ पे देख सकती हूँ पेरेंट कंपोनेंट को इंक्रीमेंट करूँ, तो यहाँ पे देख सकते हैं कि अब चाइल्ड कंपोनेंट भी रेंडर हुआ, लेकिन मैं यहाँ पे कर रही हूँ पेरेंट का इंक्रीमेंट, पेरेंट, राइट। तो खम का यहाँ पे रेंडर हुआ जो हमको नहीं चाहिए, राइट, यूज़ ही नहीं है उसका कुछ। जब चाइल्ड कर रहे तब रेंडर हो रहा है, दैट इज़ ओके, बट जब पेरेंट करे तब उसको होने की कुछ ज़रूरत नहीं, राइट। अभी तो एक है, लेकिन जब ज़्यादा रहेंगे चाइल्ड काउंट तो बहुत प्रॉब्लम हो जाएगा, राइट, ओके। तो यही हमारा मेन प्रॉब्लम है जो हमको सॉल्व करना है, ओके। तो वो हम कैसे सॉल्व कर सकते हैं, उसको हम मेमोज यूज़ करके सॉल्व कर सकते हैं, ओके। तो वही हम देखेंगे नेक्स्ट सेशन में कि उसको हम कैसे सॉल्व करेंगे। तो आई होप एक आपको समझ में आया होगा कि मैंने पेरेंट और चाइल्ड कंपोनेंट को कैसे बनाया। तो मैं और एक बार रिवाइज़ कर देती हूँ आप लोगों के लिए, ओके। तो आप यहाँ पे देख सकते हैं मैंने दो, एक पेरेंट कंपोनेंट बनाया, एक चाइल्ड कंपोनेंट बनाया। तो पेरेंट कंपोनेंट में मैंने क्या किया, यू स्टेट बना के लिए, दो स्टेट्स बना के लिए, एक पेरेंट के लिए, एक चाइल्ड के लिए, ओके। और यहाँ पे मैंने उसको लिया पेरेंट का, उनको मैंने यहाँ पे लिया, यहाँ पे मैंने उसको, हम जावास्क्रिप्ट बोल सकते हो, नहीं तो जेएसएक्स ही बोलो, आप जेएसएक्स बोल सकते हो। तो यहाँ पे मैं डायरेक्टली उसके पेरेंट अकाउंट, मतलब जो कुछ यहाँ पे इंक्रीमेंट होगा मुझे यहाँ पे दिखेगा, ओके। तो उसके लिए मैंने एक बटन दिया, जब हम बटन के ऊपर क्लिक करेंगे तो इंक्रीमेंट होगा। सेम मैंने क्या किया चाइल्ड कंपोनेंट के लिए, चाइल्ड कंपोनेंट के लिए भी मैंने एक फंक्शन बनाया, चाइल्ड एक स्टेट बनाया है, बाद में एक बटन लिया दे चाइल्ड काउंट करके। लेकिन यहाँ पे मैंने क्या किया, चाइल्ड को यहाँ पे मैंने मतलब इंपोर्ट करके लिया, राइट। तो यहाँ पे ही मैंने एज अ प्रॉप में इस चाइल्ड काउंट को पास कर रही हूँ, जो मुझे यहाँ पे मिल रहा है मैं इसको पास कर रही हूँ काउंट करके, और इसको मैं ले रही हूँ यहाँ पे चाइल्ड में, ओके, एज अ प्रॉप, और उसको मैं यहाँ पे चाइल्ड काउंट इज यहाँ पे इंक्रीमेंट कर रही हूँ, गॉट, ओके, तय हो रहा है। लेकिन हम क्या करें कि पेरेंट में चाइल्ड को हमने कॉल किया, राइट। तो जब हम पेरेंट को रीरेंडर कर रहे हैं तब चाइल्ड भी अपने आप रीरेंड हो रहा है, जिसकी ज़रूरत नहीं है, राइट। तो पेरेंट करे तो पेरेंट ही होना चाहिए, तो वो नहीं हो रहा है, तो उसको प्रॉब्लम हम सॉल्व करेंगे नेक्स्ट सेशन में। तो आई होप ये आपको समझ में आया होगा, एंड कुछ भी क्वेश्चन है इसके रिलेटेड तो प्लीज़ कमेंट में कमेंट करो, एंड वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब, एंड कीप सपोर्टिंग गाइस। थैंक यू सो मच एवरीवन गाइस।